श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के कटिहार जिले से निकल के सामने आ रही है, जहां एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची है। आपको बताते चले कि बिहार में लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं पीएफआई मामले में मोहम्मद नदीम के रिश्तेदारों के घर एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी करने पहुंची। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो कटिहार जिले की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्थानीय पुलिस के द्वारा एनआईए की टीम जो है छापेमारी करने पहुंची है। बताते चले कि बिहार के कटिहार में सुबह सुबह एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। कटिहार के हसनगंज थाना क्षेत्र में यूसुफ टोला निवासी मोहम्मद नदीम के करीबी के यहां केंद्रीय जांच एजेंसी छापेमारी करने पहुंची। स्थानीय थाने की पुलिस टीम के साथ लगभग 3 से 4 संख्या में गाड़ी में एनआईए के अफसर रेड के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम सुबह से ही छापेमारी में जुटी है। सुबह लगभग 7 बजे से हसनगंज थाना क्षेत्र के यूसुफ टोला में ये रेड की कार्यवाही हो रही है। जांच टीम प्रतिबंधित संगठन पीएफआई नेता मोहम्मद नदीम के पास एक रिश्तेदार के घर छापेमारी करने पहुंची है। पुलिस टीम की जांच एजेंसियां जो है उनके साथ शामिल है। तो सुबह सुबह एनआईए की टीम जो है कटिहार पहुंचती है और कटिहार पहुंचकर पीएफआई में शामिल मोहम्मद नदीम के रिश्तेदारों के घर ये छापेमारी कर रही है। करीब सुबह 7 बजे एनआईए की टीम वहां पहुंचती है और सुबह 7 बजे से लगातार छापेमारी जो है की जा रही है। अभी अभी जो खबर आ रही है कटिहार जिले से निकल कर आ रही है कि अब जो एनआईए की टीम है वहां से निकल चुकी है। छापेमारी के बाद टीम जो है कटिहार से अब रवाना हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। आपको बताते चले कि आज सुबह सुबह की घटना है, जहां कटिहार जिले से पीएफआई मामले में शामिल मोहम्मद नदीम के रिश्तेदारों के घर ये छापेमारी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।